दोस्तों आज के दौर में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है। बच्चे जहां बॉर्नविटा और कॉम्प्लेन जैसी चीजों पर फिदा हैं, तो वहीं युवाओं के बीच बॉडी बिल्डिंग का क्रेज देखते बनता है। ऐसे में मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए जितनी जरूरत हमको वर्कआउट की पड़ती है, उतनी ही प्रोटीन की भी, जिनमें वे प्रोटीन का नाम सबसे पहले आता है। और आखिर ऐसा क्यों है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। और तो और, हम ये भी बताने वाले हैं कि कैसे फैक्ट्री में वे प्रोटीन बनता है, कैसे ये देखते देखते दुनिया का नंबर वन ब्रांड बन गया, और क्या है इसके फायदे और नुकसान। जानने के लिए बने रहिए आखिरी तक। दोस्तों, वे प्रोटीन की फैक्ट्री मेकिंग की शुरुआत करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वे प्रोटीन एक वेजिटेरियन सप्लीमेंट है, जो हमारी बॉडी में उन पौष्टिक तत्वों की भरपाई करता है जो खाने से नहीं मिल पाती। वैसे जिन लोगों को नहीं पता और इस नाम को सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं, तो उन्हें बता दें कि वे दरअसल दही से चीज बनाने के बाद बचे हुए पानी को कहते हैं, और इसी पानी से एक प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन निकाला जाता है, जिसे दुनिया आज वे प्रोटीन के नाम से जानती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसमें आपको अमीनो एसिड और उम्दा मसल ग्रोथ के लिए बेहतरीन माना जाने वाला लेउसिन की मात्रा भी मिलती है, जो कि बड़ी ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और जो लोग वर्कआउट और जिमिंग के शौकीन हैं, वो जानते होंगे कि आमतौर पर एक मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए हमें ढेर सारे वे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो मार्केट में तीन अलग तरीके में उपलब्ध है: आइसोलेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड और ब्लेंड, जिनके बारे में आपको हम आखिरी में बताएंगे। तो दोस्तों, वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेयरी फार्म की तरफ जाना पड़ता है, जहां मौजूद गायों के प्राकृतिक दूध को बेहद शुद्धता के साथ निकाला जाता है। इस प्रोसेस के लिए कुछ खास तरह से मिल्की पार्लर भी बने होते हैं। सभी गायों से मिल्क कलेक्ट करने के बाद उन्हें टैंक के जरिए काफी लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है। प्लांट में सबसे पहले ये दूध बड़े गैलन्स में रखे जाते हैं, जिनकी कैपेसिटी 50,000 लीटर तक के दूध को स्टोर करने की होती है, और फिर उनकी कंज्यूमिंग क्वालिटी को चेक किया जाता है। इसके बाद उन्हें पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां ये अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट किए जाते हैं, ताकि इसके अंदर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर सके और ये आम इंसान के लिए पीने लायक बनाया जा सके। अब इस दूध को एंजाइम से प्रोसेस किया जाता है, और फिर दूध से वे और केसिंग अलग किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गाय के दूध में दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, वे प्रोटीन और कैल्शियम प्रोटीन। वे दूध में 80% तक तो सिर्फ केसिन की मात्रा होती है, जो कि पनीर जैसे अन्य चीजों के लिए काम आते हैं, और बाकी 20% से तैयार होता है वे सप्लीमेंट। हालांकि यहाँ दूध में एंजाइम पड़ने से ये दही और लिक्विड वे के तरल पदार्थों में अलग हो जाता है, जिसे एक विशेष मशीन से किनारे कर दिया जाता है। अब अलग किए गए प्रोटीन का पॉस्चराइजेशन करके इसे बैक्टीरिया फ्री बनाया जाता है। इसके बाद स्टील के विशाल टरबाइन में लोड करके माइक्रोफिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज की मदद से वे में मौजूद फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल दिया जाता है, और अब जो हमारे हाथ लगता है वो क्लियर वे प्रोटीन होता है। हालांकि लिक्विड होने के चलते इन्हें एक ड्रायर में डाल दिया जाता है, जिसमें लगी हॉट एंड कोल्ड एयर से इसका पानी आसानी से सूख जाता है, और फिर इन्हें क्रशर के जरिए पाउडर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, और कुछ इस तरह से हमें 80-90% आइसोलेटेड वे प्रोटीन मिलता है, जिसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर भी ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे आप इन्हें बिना किसी संकोच के अपने पसंदीदा फ्लेवर में पी सकें। इतना होने के बाद कुछ बचता है, तो वो है इसकी पैकिंग, जिसके लिए वेल टेस्टर्ड साफ सुथरे जार तैयार किए जाते हैं, और फिर उन्हें उसमें पैक किया जाता है और ब्रांडिंग के बाद बिकने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर अब बात इसकी बाकी टाइप की करें, तो इसके कॉन्सेंट्रेटर फॉर्म में 80% प्रोटीन होता है। ये बाकियों के मुकाबले सस्ता होता है, और इसमें लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है। पाउडर को तैयार करने के बाद अक्सर कार्बोहाइड्रेट और फैट को हटा दिया जाता है, मगर इसके कॉन्सेंट्रेटर फॉर्म में दोनों मौजूद होते हैं। यानी कि अगर आप वर्कआउट के शुरुआती स्टेज में हैं, तो आपको कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आपके लिए बिल्कुल सटीक साबित होगा। वहीं इसके आइसोलेटेड फॉर्म की बात करें, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड से एक प्रोसेस ज्यादा बनकर निकलता है, जिसमें तकरीबन 90% प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है। और अगर आप लीन बॉडी बनाने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर कंपटीशन की तैयारी करने में लगे हैं, तो ये वे प्रोटीन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आप इसे घोलेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड के मुकाबले थोड़ा पतला होगा, क्योंकि इसमें फैट बेहद कम होता है। बाकी स्वाद के मामले में भी ये आपको निराश नहीं करेगा। वे प्रोटीन के फायदों की बात करें, तो ये बॉडी बनाने में काफी मदद करता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। ऐसे लोग बॉडी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह मांसाहार जैसे अंडे, मछली, मांस नहीं खाना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए वे प्रोटीन बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के पास प्रोटीन युक्त खाना बनाने का समय नहीं होता, तो ऐसे लोग खाने से
से प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के बजाय वे प्रोटीन के पाउडर को पानी में मिलाकर पी जाते हैं। इससे इनके प्रोटीन युक्त खाना बनाने की समस्या दूर हो जाती है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल एथलीट्स या फिर बॉडी बिल्डर्स द्वारा किया जाता है, जिन्हें अपनी बॉडी को मेंटेन बनाए रखने के लिए प्रोटीन इनटेक की जरूरत होती है और वे प्रोटीन इनकी जरूरत को पूरा कर देता है। अब अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों, वे प्रोटीन लेने से बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, वे प्रोटीन दूध से बनता है। ऐसे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में दूध से बने कई सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका हमें आज तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ऐसे में आप खुद ही सोच लीजिए, भला वे प्रोटीन से क्या साइड इफेक्ट होगा? यानी ये केवल एक भ्रम है जो लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि वे प्रोटीन लेने से उन्हें नुकसान होगा। इसके अलावा आपको वे प्रोटीन लेने का बहुत ही डेंजर साइड इफेक्ट लोगों से सुनने को मिला होगा कि इसके इस्तेमाल से हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, और ये बात आपको कई सारे आर्टिकल्स में भी पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बात का अब तक कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को पहले से ही किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह लिए किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी किडनी में पहले से ही प्रॉब्लम है और आप वे प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो उससे आपको दिक्कत तो होगी। और सिर्फ वे प्रोटीन ही नहीं, इसके अलावा कोई भी प्रोटीन रिच फूड जैसे कि एग, चिकन और फिश जैसी चीजों को भी अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। ये कोई वे प्रोटीन का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें प्रॉब्लम प्रोटीन के डिब्बे में नहीं बल्कि आपकी किडनी में होती है। ऐसे में अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी प्रोटीन रिच फूड से दूर रहें और अपनी पर डे प्रोटीन इनटेक को बैलेंस रखें, और दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं, ताकि बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा थिक ना हो और आपकी किडनी आसानी से आपके ब्लड को समय समय पर फिल्टर करती रहे, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपने कई लोगों से यह भी सुना होगा कि वे प्रोटीन लेने से पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशन और सिर दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब दोस्तों, ये बातें क्यों बोली जाती हैं, या फिर जिन लोगों को वे प्रोटीन लेने से ये दिक्कत हुई है वो क्यों हुई है, इसके पीछे भी कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है आपका वे प्रोटीन सप्लीमेंट का नकली होना। क्योंकि आपको जिस किसी प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने पर इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो आप ये जरूर चेक करिए कि आपका वे प्रोटीन सप्लीमेंट ओरिजिनल है भी या नहीं। इसके लिए आप अपने किसी भी जानकार इंसान से मदद ले सकते हैं जिसे प्रोटीन वगैरह के बारे में पता हो, क्योंकि इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट सप्लीमेंट में ही देखने को मिलते हैं, जबकि ओरिजिनल सप्लीमेंट में इस तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हालांकि इस तरह के साइड इफेक्ट्स का होने का एक कारण यह भी है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट को लेने की नॉलेज ना होना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि वो जितना ज्यादा प्रोटीन का पाउडर खत्म करेंगे, उतनी ज्यादा जल्दी बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, रातों रात उनका शरीर चमत्कारी रूप से बढ़ जाएगा और वो ऋतिक रोशन बन जाएंगे। और इसी के कारण लोग दिन प्रतिदिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, जिससे उनके सामने पेट दर्द, लूज मोशन, उल्टी और सिर दर्द जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हर इंसान को अपनी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर आपका ये समझना भी जरूरी है कि वे प्रोटीन कोई चमत्कार नहीं है जो रातों रात आपकी बॉडी को बेहतर बना देगा, बल्कि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो आपकी डाइट में प्रोटीन के इनटेक को बैलेंस करने में मदद करता है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि वे प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए केवल प्रोटीन सप्लीमेंट ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ अच्छी डाइट और रेगुलर वर्कआउट की भी जरूरत पड़ती है, तब जाकर कहीं आपकी बॉडी पर असर देखना शुरू होता है। लेकिन ये बहुत धीमे धीमे होगा, इसलिए आपको लगातार मेहनत करते रहना है ताकि आप एक बेहतर और शानदार बॉडी के मालिक बन जाएं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वे प्रोटीन से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब आप इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।